हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पूरी जुड़ाई में हो ये दोस्त माधुरी है। होप यू ऑल आईडिंग वेरी वेल। वी आर बैक पूरी जुड़ाई बैक और एवरी सैटरडे फिर से हम लोग वीडियो लाएंगे। और आज हम आ चुके हैं पाव भाजी बिस्ट्रो में। पाव भाजी बिस्ट्रो में आ चुके हैं। बिस्ट्रो का मतलब होता है एक छोटा सा रेस्टोरेंट में उसके अंदर वो बहुत स्पेशलिटी होता है, तो इनका पाव भाजी स्पेशलिटी है। तो आज देखते हैं कौन से वेराइटी के पाव भाजी और टेस्ट उनका कैसा है। चलिए शॉर्ट, इसमें दो वेराइटी आते हैं, एक रेगुलर और एक ब्लैक। हम रेगुलर लिए हैं, इसका कॉस्ट है 150 रुपीज़। ये लोग अलग से अमूल बटर भी देते ऊपर अप्लाई करने के लिए, बट मेरे को नेसेसरी नहीं है। और ये नया कॉन्सेप्ट है शॉर्ट जैसा पाव भाजी का, छोटा छोटा मिनी बर्गर जैसा लग रहा है। अंदर भाजी है और ऊपर अपना पाव है। अच्छा लग रहा है, देखने में भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। अभी टेस्ट में देखता है, इसको टूथपिक के साथ ऐसे खाने का। मेरे को इसका कॉन्सेप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत अच्छा लगा, ऐसा मिनी मिनी बर्गर जैसा दिया है। नॉर्मल पाव भाजी जैसा ही टेस्ट आएगा, थोड़ा सा मेरे को भाजी स्पाइसी लगा, वो तो आप बोलोगे तो हो जाएगा नॉर्मल टोन में। बट इसमें एक बेनिफिट क्या है, अपन पाव भाजी खाते हैं हाथ से खाते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली सब लोग हाथ से ही खाते हैं, तो इसमें ये बेस्ट है क्या ऐसे डालो टूथपिक से। छोटा सा शॉर्ट से एक पीस हो गया। इटालियन भाजी, ये है कुछ नया टाइप का कॉन्सेप्ट है। पाव के जगह पे आपको गार्लिक ब्रेड मिलेगा और भाजी तो मिलेगा, उसके साथ आपको पास्ता भी मिक्स मिलेगा और ऊपर पूरा अमूल बटर जो डाला हुआ है, एकदम लप लपाता बटर डाला हुआ है। ये देखिए फुल अमूल का डाला हुआ है। अभी टेस्ट करके देखते हैं। मेरे को नहीं लगता कि आपने ये किधर ट्राई किया होगा, इटालियन भाजी गार्लिक ब्रेड के साथ विद पास्ता भाजी, तो नहीं ट्राई किया तो इधर जरूर आना। अभी मैं टेस्ट करके देखता हूँ कैसा इसका टेस्ट। ये तो गार्लिक ब्रेड लीजिए, ऊपर ये भाजी पास्ता है वो डालिए, ऐसे जैसे शॉर्ट्स बनाया था वैसे, खाली इसके ऊपर और एक कवर नहीं आएगा, ऐसे ऊपर डालिए, थोड़ा ठंडा कर होने दीजिए। पर्सनली मेरे को गार्लिक ब्रेड बहुत टेस्टी लगा। आप सेपरेटली भी गार्लिक ब्रेड मंगा लेना अगर आपको भी अच्छा लगता है गार्लिक ब्रेड तो। और ये भी कॉन्सेप्ट अच्छा है, भाजी के साथ पास्ता मिक्स और उसके साथ गार्लिक ब्रेड, बहुत कम जगह पे ऐसा मिलता होगा। इफ आपको ये टेस्ट करना है इधर जरूर आना। हमें इतना स्पाइसी खाना, पाव भाजी खाए तो ड्रिंक्स तो चाहिए। यह है काला खट्टा मोहितो और यह है मिंट मोहितो। ये अब तक लॉन्च नहीं हुआ है, विद इन 4-5 डेज लॉन्च हो ही जाएगा। जब तक वीडियो आएगा मीन ये लॉन्च हो चुका है। इसका रेट होगा 100 to 150 के अराउंड। तो हम लोग फर्स्ट टाइम ट्राई करते हैं कैसा है ये। पहले काला खट्टा, एकदम खट्टा मीठा टेस्ट जा रहा है, ऐसा लग रहा है वो काला खट्टा का गोला खाता है ना वैसा फील आ रहा है। ऑफकोर्स वैसा टोटली फील नहीं आएगा बट थोड़ा है इसके अंदर। अच्छा टेस्ट भी, मिंट मोहितो तो ट्राई करते हैं। एकदम मिंट मिंट जैसा लग रहा है, ये ओवर रिफ्रेशिंग है। मिंट मोहितो तो मिंट के जो भी होते हैं वो एकदम रिफ्रेश कर देता है। ये आप पियोगे ना आप टोटली रिफ्रेश हो जाओगे। रिफ्रेशिंग ड्रिंक है ये वाला। सिटी ओनर ऑफ द पाव भाजी बिस्ट्रो, आपको मैम ये आइडिया किधर से आया पाव भाजी बिस्ट्रो का?
पाव भाजी में कुछ इन्फ्यूजन करना चाहिए कि लोगों को वेरिएशन मिले, इन द सेम कॉन्सेप्ट। ओके, और आपको ये ठाकुर विलेज में कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? अच्छे से, या पब्लिक आर हैप्पी, लोग टेस्ट पसंद कर रहे हैं, इवन कॉलेज यूथ के आउट को भी काफी पसंद है। फ्यूजन है तो ट्विस्ट है तो दे मोर लाइक मोर, एंड फैमिली क्राउड को भी काफी अच्छा लगता है। और कितने इयर्स हो गए आपको इधर? वी कंप्लीट जस्ट वन ईयर। Okay. And by K hospitality, what do you think of that? K means Priyansh K. Priyansh is our son name. So we thought ki hame uske naam pe karna tha. So we just and Priyansh means is a modern version of Krishna. Okay. So both link hota hai. Thank you for giving your time. Yeah. कैसा लगा आपको पाव भाजी विद गो? मैंने मेरी इटालियन भाजी का कॉस्ट नहीं बोला, उसका कॉस्ट है 250 रुपीज़ और वो मिनी का 150 बोला, और जो मोहितो भी है उसका कुछ 100 to 150 के अराउंड कॉस्ट होने वाला है। हम लोग फर्स्ट डे क्या जितने टेस्ट किया है कस्टमर्स में, तो जब तक ये वीडियो आएगा वो लॉन्च हो चुका होगा, तो वो भी ट्राई जरूर करना। और इधर और बहुत सारे वेराइटीज़ हैं, जैसे कि शिवपुरी भाजी, ग्रिल सैंडविच भाजी, वड़ा पाव भाजी, सब चीज़ में इन्होंने पाव भाजी का फुल कॉन्सेप्ट डाला है, तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो आपको कुछ भी नया वेराइटी ट्राई करना है तो पाव भाजी बिस्ट्रो इज द बेस्ट प्लेस। ठाकुर विलेज में लोकेटेड है, मैं पूरा डिटेल एड्रेस मेन्यू सब नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे डाल दूंगा, तो वो ज़रूर चेकआउट करें। टिल देन टाटा बाय। कैसा लगा आपको ये वो खाते हैं?